एक बाइक का टायर ना फट जाए। ऊपर हमारा रूम है। मेरे को तो लग रहा था कि मैं बीच में अटक के वापसी गिर जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YWB व्लॉग्स। तो आज देखिए हमारे साथ है मिंटू भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो आज हम दोनों भाई निकले थे, आज संडे है तो संडे राइड के लिए निकले थे। और आज देखिए हम आए कहाँ पे, वो देखिए सामने, ये पूरा अरावली हिल्स है गुड़गांव का जो है। तो आज हम दोनों आए थे गुड़गांव अरावली हिल्स। तो अभी मैं रास्ते में आता इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि पूरा अंधेरा था, अंधेरे में मेरे फोन से क्या रिकॉर्ड होता है, इस वजह से मैंने शूट नहीं करा। तो भाई वैसे भाई से पूछो यार, जैसे तैसे पहुंचे हम यहाँ पे, बड़ा मुश्किल भाई, मेरा फोन बच गया यार। हाँ, इन भाई का हमने फोन लगाया था अपने यहाँ पे जो फोन होल्डर है, मेरा फोन होल्डर टूट ही गया। मैं तो जैसे तैसे करके इनका फोन कैच कर लेनी, तो आज तो चले जाता मैं। ये लो गाइस, हम इनका फोन होल्डर गिव अवे कर रहे हैं। ये देखो हाल देखो भाई, फोन होल्डर का यहाँ पे लगा हुआ था ऐसे, तो बच गया आज तो भाई का फोन। गाइस चलिए अब आपको आगे जाके दिखाता हूँ अरावली हिल्स कैसे दिखते, चलते हैं। तो गाइस देखो भाई, अरावली हिल्स चेक करो क्या हो गया इसको। तो गाइस हम फाइनली अरावली हिल्स देखिए चल रहे हैं ऊपर, मतलब पहाड़ों के ऊपर नीचे होता है ये, तो देखिए हम चल रहे हैं। यहाँ पे साइकिलिस्ट बड़े सारे हैं, मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ पे साइकिलिस्ट बहुत सारे आ रखे हैं और स्कूटी बाइक वाले भी दो चार बंदे मेरे को दिखे हैं। गाइस एक बार जब ऐसे लीन कटाते तो बिल्कुल धीरे धीरे चलो, हाँ अगर आपको लीन करने आती है तो अलग बात है, लेकिन नहीं आती तो आराम से चलो, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मतलब गाइस पूरा ना पहाड़ है, मतलब जैसे हम पहाड़ों में घूमते हैं ना ऊपर नीचे वैसे है ये, गोल घुमा के ऊपर नीचे। हाँ वही कह रहा हूँ मैं अभी, साइकिलिस्ट। चलो ओए ऑफ रोडिंग, ओए ऑफ रोडिंग चल। गाइस इधर एक दिक्कत बस ये है कि हमको लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब जितना यूजुअल ठंड है उससे ज़्यादा ठंडा यहाँ पे है। तो गाइस हम पूरी ऑफ रोडिंग करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं बाइकों पे। चढ़ गए भाई यहाँ तक, तो चढ़ गए जैसे तैसे, देखो चढ़ा भी देखो तुम। भाई पूरी बाइक चढ़ा दी हमने पहाड़ों पे, देखो यहाँ से व्यू देखो एक बार तुम, व्यू तो यहाँ से है बाबे। तो देखो भाई जहाँ पे आपको सारे स्टॉल्स दिख रहे हैं वहां से हमने ऊपर चढ़ानी शुरू करी थी, वहां से घुमाते घुमाते देखो यहाँ पे आके हमारी बाइक खड़ी है। हाँ मिंटू भाई नजारे कैसा, तुमको ऊपर चढ़ा के कैसा लगा? मेरे को उम्मीद नहीं थी मेरे से चढ़ जाएगी। मैं सही बताऊँ, मेरे को तो लग रहा था कि मैं बीच में अटक के वापसी गिर जाऊंगा। तो गाइस देखो अभी हम चढ़े हुए हैं पहाड़ों पर और नज़ारे देखो एक बार भाई यहाँ के, मतलब देखो ये हमारी बाइक और आसपास के नज़ारे देखो एक बारी। ये रहे मिंटू भाई बोल्ड पे, यार इनकी बोल्ड मस्त चल रही है, हमारी पैशन को थोड़ी दिक्कत आ रही है पर इनकी बोल्ड सही चल रही है, बस टायर पंचर ना हो जाए, इधर यही दिक्कत रहती है कि टायर पंचर ना हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों पर तो हम चढ़ गए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या पहाड़ों पर ही हैं। तो अभी और थोड़ा हाइट पे जाने वाले ऊपर। तो गाइस हम धीरे धीरे करके ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, मतलब जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर जा रहे हैं ऑफ रोड करते हुए पूरा, मतलब और लोग यहाँ पे बुलेट वगैरह के एटीएम वगैरह चढ़ा नहीं पा रहे नीचे, जो दो तीन मेरे को मिले जो के एटीएम वगैरह भी नहीं चढ़ा पा रहे, और हम देखो भाई पैशन ले आए इतने ऊपर। तो मतलब ये होता है कि अगर तो तुमको ढंग से चलानी आती है, तुमसे समझ जाती है बाइक अच्छे से तो तुम चला लोगे, अब तुमसे बाइक नहीं संभलती तो तुम कहीं चढ़ाओ कैसे चलाओगे ये बताओ।
तो गाइस अभी मिंटू भाई पीछे रह गए, तो हम उनके पास जा रहे हैं यूटर्न लेके। और यहाँ से यूटर्न लेना बड़ा मुश्किल है यार, पत्थरों पे एकदम, क्योंकि एकदम चढ़ाई है। और खड़ी चढ़ाई, मतलब खड़ी चढ़ाई तो नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़ी चढ़ाई है। अगर मैं रेस छोड़ दूंगा और ब्रेक भी नहीं लगाऊंगा तो बाइक पीछे भागेगी, ये बात तो है। वैसे देखो एक बार, पूरा ऑफ रोड है यार ये, मतलब वाइज हम चढ़ो हैं अरावली के पहाड़ों पर यार। वैसे नीचे लोग काफ़ी बोल रहे थे ऊपर चढ़ा नहीं पाओगे, मुश्किल है, पर ऐसा कुछ नहीं लगा हमको, हम बहुत प्यार से चढ़ा गए अपनी बाइक। तो देखो भाई, ये रही मिंटो भाई की बुलेट, ये रही हमारी पैशन। और मतलब हम ना पूरे अरावली के पहाड़ों के बीचों बीच हैं, ऊपर चढ़ के आए हुए हैं। तो आओ आपके पास सामने से व्यू दिखाता हूँ, वो देखो अभी सनसेट भी हो रहा है। मिंटू भाई भी आगे खड़े, रुको आपको दिखाता हूँ एक बार। तो आप यहीं पे रहते हो, मतलब यहाँ स्टे ले रखा है, यहाँ स्टे ऊपर हमारा रूम है, टेंट लगवा रखा है हमने। आओ गाइस आपको एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। चेक करो भाई, मतलब पूरा ना वहाँ से लाए हैं ऊपर, और जहाँ पे अभी वो खड़ा हुआ है वहाँ से पूरा घुमा के पूरा ऊपर लाए हैं यहाँ तक। यहाँ से ऊपर जाने का सोचा था, पर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हमको जल्दी कर जाना है। और देखो भाई, आपको बुलेट की आवाज़ यहीं से आ रही होगी, सारी बुलेटें जा रही हैं बीच वाले रास्ते से जा रही हैं। देखो पूरा आस पास का एकदम जंगल जंगल इलाका है, और हम खड़े भी एकदम यूँ पहाड़ पर हैं, देखो इस मिंटू भाई के साथ। तो अब हम यहाँ से निकले क्योंकि आज हमको थोड़ा जल्दी घर जाना है, तो आपको सीधा निकलने का दिखाता हूँ। नीचे पहाड़ से उतारते वक्त का दिखाता हूँ बाइक, कि नीचे उतारने मुश्किल होगी नहीं होगी। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो गाइस हम बैठे अपनी पैशन पे, और देखो भाई एकदम सनसेट हो रहा सामने। मैं पहन के आया हूँ लेदर वाली जैकेट, और लेदर वाली जैकेट में मेरे को लग रही है ठंड, क्योंकि पता नहीं कि मुझे लगता है कि मेरे को ना यूजुअल बंदों से ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये आगे मिनटो भाई, चले भाई, चलो अब नीचे उतारेंगे पहाड़ों से। तो गाइस अब हम चलने लग रहे हैं एक नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने बताया भी आपको व्लॉग में कि आज थोड़ा जल्दी घर जाना है हमको, कुछ घर पे हमारी पूजा वगैरह है उस भाई के भी और मेरे भी। तो ज़्यादा देर यहाँ पर रुके नहीं, हम यहाँ से घर निकलने लग रहे हैं, और मिंटो भाई अभी आगे चलेंगे। चलो तो मिंटो भाई अब आगे चल रहे हैं, और हमको नीचे उतारनी है। देखिए गाइस, ऊपर चढ़ाने में थोड़ी बहुत दिक्कत, क्योंकि मेरी बाइक के टायरों में एक्चुअली ग्रिप नहीं है बिल्कुल भी, तो कई जगह पर फिसल रही थी। पर अब नीचे उतारते वक्त देखते हैं कि नीचे उतरते प्यार से उतरती है, कैसे उतरती है। मेरे को लगता नहीं वैसे यहाँ पर ज़्यादा रेस देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाइक नीचे चली जाएगी, क्लच पकड़ कर रखा हुआ हमने, खुद ही जा रही है। और देखो भाई पत्थर देख रहे हो, मतलब तुम वो देखो, देखो कैसे कैसे रास्ते से ले जानी पड़ रही है बाइक। बस यहाँ पे ना एक दिक्कत मेरे को ये लग रही है कि बाइक का टायर ना फट जाए, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे टायर फट गया फिर यहाँ से हमारा घर कम से कम 40-45 किलोमीटर है, तो 40-45 किलोमीटर हमारा घर दूर है। यहाँ पे आसपास हमको पता भी नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा जो टायर ठीक कर दे हमारा, अगर फट जाता है तो या पंचर हो जाता है तो। तो गाइस अभी तक तो जैसे तैसे हमारी बाइक उतर ही रही है, अभी मतलब ये थोड़ा थोड़ा डाउन जा रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मतलब कहते हैं ना एकदम नीचे उतार रहा हो, मतलब बिल्कुल वो स्लोप हो वैसा नहीं है, धीरे 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 करके नीचे उतार रहा है। और यहाँ पे लोग बड़े आ रखे हैं, देखो ये शायद फोटो स्पॉट है यहाँ का। तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको बाइक चलाने का शौक है ना और संभालनी आती है, बहुत प्यार से आ जाओगे आप। तो गाइस यहाँ पे आपको बस दो चीज़ें सीखनी है, पहली बात कि जब आप आओ तो आपको चढ़ाना सीखना पड़ेगा, कि ये नहीं होता कि एकदम रेस देते रहो आप और संभालोगे नहीं बाइक को, रेस देते रहोगे तो भाई फिर गिरोगे, तो ऑफ कोर्स की बात है वो। ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है इन बंदों की, ये वीडियो बना रहे शायद। ये देखो यहाँ पे खड़े होकर व्यू के मजे ले रहे हैं। मैं जानबूझ के भाई को चढ़ा रहा हूँ, वो अपना व्लॉग कर रहे हैं, उनको करने नहीं दूंगा। मतलब देखो शुरुआत में मेरे को क्या होता था, जैसे मैं अपना व्लॉग बनाने निकलता था कहीं पर, लोग घूरते थे ना तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था, पर अब मेरे को आदत हो गई है इसकी, अब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, घूरते तो घूरने रहने दो, हम तो अपना व्लॉग कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसी। तो देखो गाइस पूरा ना हमको पहाड़ों, मतलब हिमाचल वाला फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ों में आ गए, क्योंकि ये है ही गुड़गांव के पहाड़। और अभी लास्ट में एक मेन जो नीचे डाउन देखिए यहाँ से, ये लास्ट है, इसके बाद प्लेन रोड आ जाएगी, और ये वाला ही मेन था हमारे मेरे हिसाब से तो यार, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आई थी। ये देखो अब जैसे मिंटू भाई कैसे उतार रहे हैं, हमको भी अपनी बाइक के हिसाब से देख के निकालना पड़ेगा कि नीचे वीचे कहीं से लग ना जाए।
और यहाँ पर तो यार रेस देने की ज़रूरत वैसे तो है ही नहीं बिल्कुल भी, खुद ही चल रही है बाइक, क्लच पकड़ के रखा है मैंने और ब्रेक ही चल रही है बस। ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं आएगी एकदम से ब्रेक मारोगे तो फिर उसमें भी गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तक तो प्यार प्यार से उतर रही है हमारी बाइक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे से ज़्यादा बंदे वैसे यहाँ पे बाइक अपनी जो बाइकों पे आते हैं वो नीचे खड़ी करके यहाँ से पैदल ऊपर जाते हैं। पहले मिंटू भाई भी ये करते कि पैदल ऊपर चलते हैं, पर मैंने कहा नहीं यार, आए हैं तो बाइक लेके जाएंगे, बिना बाइक के मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, पैदल लेके क्या मज़ा आ रहा है गाइस ये बताओ। तो गाइस हम पहाड़ों से नीचे उतर तो उधर चुके हैं वैसे, और एक बार तुम सामने का वो देखो यार, मतलब गाड़ियों से पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है इनके, देखो थार और दो दो बोलेरो, उस बोलेरो को देखो कहाँ पे चढ़ा रखा है इस बंदे ने, पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है इनकी मिट्टी में, वो देखो कहाँ चढ़ी हुई है उसकी बोलेरो, और उन बंदों को देखो वो कहाँ बैठे फैमिली पूरी, ये देखो गाइस, देखो गाइस पीछे से भी बंदे आए हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए अपनी गाड़ियों में, वो देख इसकी थार देख, उसकी बोलेरो फंस गई और इसको टो करके निकाल रही है अब। तो हम चलते हैं आगे देख के आता है क्या, मिंटू भाई तो मान नहीं रहे। खाली रोड है, प्लेन रोड बिल्कुल, और एक व्हीली मार देते भाई अरावली हिल्स की। तो मिंटू भाई ने मेरी वाली वीडियो बनाई होगी जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा आगे। मेरे को देखा था कैसे बाइक उड़ाई थी, तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें देखो हम घूमना है अरावली हिल्स, और देखिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये बाहर जाने का रास्ता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।